नमस्कार दोस्तों, मैं आरके ट्रेडिंग से रवि कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग में। दोस्तों आज तारीख है 22 अक्टूबर 2018 और कल के लिए थ्री स्टार सेक्शन में यानी 23 अक्टूबर 2018 के लिए मंगलवार के लिए मैंने 3 स्टॉक को सिलेक्ट कर लिया है। उसके किस लेवल पे बाय करेंगे और किस लेवल पर हम लोग सेल करेंगे, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या टारगेट रहेगा, इन सारी चीजों की जानकारी मैं यहाँ पर दूंगा। पर दोस्तों उन तीनों स्टॉक में ट्रेड करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि मेरी कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह उसमें नहीं होती है। मैं सिर्फ अपनी रिसर्च और एनालिसिस आप लोगों के एजुकेशन पर्पज के लिए पोस्ट करता हूँ। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे इस चैनल पर आपको डेली लाइव ट्रेड की वीडियो, थ्री स्टार में जो 3 स्टॉक देता हूँ इंट्राडे में उसकी वीडियो, कुछ टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो और निफ्टी हैवी वेट की स्टॉक की एनालिसिस, बैंकिंग स्टॉक की एनालिसिस की वीडियो और बेहतरीन इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको मिलती रहती है। तो इन सारी चीज़ों को जानने और समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं वो कौन से 3 स्टॉक हैं जिसे मैं कल 3 स्टार यानी इंट्राडे में 23 अक्टूबर को बाय या सेल करूँगा। दोस्तों हमारा सबसे पहला स्टॉक होगा टाटा स्टील का, मेटल सेक्टर की कंपनी है टाटा स्टील, और सबसे पहला स्टॉक मैंने टाटा स्टील को सेलेक्ट किया है अपने लिए। कल मैं इंट्राडे में से ट्रेड करूंगा। इसका सिलेक्शन का रीजन बता देता हूं दोस्तों, मेरा फेवरेट पैटर्न फेवरेट स्ट्रेटेजी पे ये स्टॉक आया हुआ है। ये पहले हम लोग डेली का चार्ट देखते हैं टाटा स्टील का। देखिए ये टाटा स्टील का डेली का चार्ट है, एक लंबी बियरिश कैंडल इस स्टॉक ने बनाया और बिल्कुल अपने सपोर्ट पे आके क्लोजिंग दिया। ठीक है, बिल्कुल सपोर्ट पे आके इसने क्लोजिंग दिया है, प्रीवियस सपोर्ट पे। देखिए यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, और उस सपोर्ट के पास आके इसने क्लोजिंग दिया। ठीक है, और यही नीचे से जब ये ऊपर की ओर जा रहा था, ये स्टॉक जब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यही लाइन यानी 540 रुपए 44 रुपए जो है इसका सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। स्टॉक बिल्कुल उसी के पास इसने क्लोजिंग दिया है। और अगर हम लोग जरा इसका इंट्राडे का चार्ट देखें, 15 मिनट का चार्ट देखें, तो स्टॉक बिल्कुल मेरे बेहतरीन फेवरेट स्ट्रेटेजी पे आया हुआ है, राउंडिंग टॉप पर। देखिए बार बार स्टॉक राउंडिंग टॉप पैटर्न बनाता है और स्टॉक वापस से उसको ब्रेक नहीं कर रहा है, ऊपर की ओर मूव कर जा रहा है। वापस से स्टॉक मूव कर नीचे तोड़ने की कोशिश करता है, तोड़ नहीं पा रहा है, वापस ऊपर फिर मूव कर गया और स्टॉक आज वापस से फिर वहीं पर आके क्लोजिंग दिया है। तो हमारे लिए दोस्तों मैं टाटा स्टील को कल बाय करूंगा। टाटा स्टील जब दोस्तों 549 के ऊपर निकलेगा तो हम लोग बाय करेंगे, इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे 545 का। और पहला टारगेट होगा दोस्तों 553 रुपए का, दूसरा टारगेट आएगा 557 रुपए का और तीसरा टारगेट आएगा 561 रुपए का। बिना स्टॉप लॉस के दोस्तों बिल्कुल ट्रेड ना करें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। याद रखिए जब भी स्टॉक अपना 0.5% या 1% टारगेट की तरफ मूव कर जाता है, आप प्रॉफिट 70% क्वांटिटी से 50-70% क्वांटिटी जरूर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी का आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। तो बाय करना है दोस्तों 549 के ऊपर, स्टॉप लॉस 545 का रहेगा, पहला टारगेट 553, दूसरा टारगेट 557 और तीसरा टारगेट 561 का। और जब टाटा स्टील 540 के नीचे निकलेगा तो मैं इसे सेल करूंगा, और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 544 रुपए का, पहला टारगेट रहेगा 536 का, दूसरा टारगेट रहेगा 532 का और तीसरा टारगेट रहेगा 528 रुपए का। बिना स्टॉप लॉस के बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। तो टाटा स्टील को बेचना है 540 के नीचे, स्टॉप लॉस 544 का रहेगा, पहला टारगेट 536, दूसरा टारगेट 532 और तीसरा टारगेट 528 का। ये हमारा पहला स्टॉक है टाटा स्टील का। ठीक है, हमारा अगला स्टॉक है दोस्तों ग्लेनमार्क फार्मा। ठीक है, ग्लेनमार्क फार्मा मेरा अगला स्टॉक है। देखिए ग्लेनमार्क फार्मा का सबसे पहले हम लोग डेली का चार्ट देखते हैं। ठीक है, डेली का चार्ट बिल्कुल हम लोग को बता रहा है जिस तरह से टाटा स्टील अपने सपोर्ट पे आके क्लोज हो रहा है, उसी तरह ग्लेनमार्क फार्मा अपने रेजिस्टेंस के पास आके क्लोज कर रहा है। देखिए यही प्राइस जो है यहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया था, वापस से स्टॉक ने जब इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक किया, इस जगह पे ब्रेक किया तो बहुत अच्छे से ऊपर गया, वापस से स्टॉक उसी रेजिस्टेंस के पास आके क्लोज कर रहा है। ठीक है, और जरा हम लोग इसका 15 मिनट चार्ट देखें ग्लेनमार्क फार्मा का। तो ग्लेनमार्क फार्मा क्या बता रहा है कि ये कप विथ हैंडल पैटर्न बना रहा है, ये हैंडल हो गया और ये कप हो गया। ठीक है, ये हैंडल हो गया और ये कप हो गया, इसी पैटर्न को ये ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों ग्लेनमार्क फार्मा को मैं कल बाय करूँ, जब ग्लेनमार्क फार्मा 620 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे, और इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे 616 रुपए का, पहला टारगेट होगा दोस्तों 624 का, दूसरा टारगेट होगा 628 का और तीसरा टारगेट होगा 632 रुपए का। बिना स्टॉप लॉस के दोस्तों बिल्कुल ट्रेड ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। और जब ग्लेनमार्क फार्मा
और जब ग्लेनमार्क फार्मा 610 के नीचे निकलेगा तो सेल करेंगे, इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे 614 रुपए का। पहला टारगेट होगा दोस्तों 606 का, दूसरा टारगेट होगा 602 का, और तीसरा टारगेट आएगा 598 रुपए का। बिना स्टॉप लॉस के दोस्तों मैं बार बार कर रहा हूँ, बिल्कुल भी ट्रेड ना करें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। टारगेट की तरफ अगर स्टॉक 0.5% से 1% की तरफ भी मूव कर जाता है तो आप जरूर वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, 50-70% क्वांटिटी, और बाकी का आप अपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, हमारा तीसरा और अंतिम स्टॉक है दोस्तों HDFC बैंक का। मैं पहले HDFC बैंक का चार्ट दिखा देता हूँ आपको, क्यों मैं बाय या सेल करूंगा। देखिये HDFC का दोस्तों ये डेली का चार्ट है, ठीक है, मैं यहाँ पे HDFC का चार्ट दिखा रहा हूँ, ये डेली का चार्ट है, और डेली का चार्ट एक बेयरिश कैंडल आपको शो कर रहा है। गैप अप ओपन होने के बाद ये क्लोजिंग करता है अपने ओपन होने के नीचे, तो ये एक बेयरिश कैंडल बन गई। ठीक है, और जरा हम लोग इसका इंट्राडे का चार्ट देखें तो देखिए इंट्राडे का चार्ट बहुत ही बेहतरीन है, एकदम फेवरेट रेक्टेंगल पैटर्न में फंस गया है, एकदम ये रेक्टेंगल पैटर्न के चार्ट में आके फंस गया है। अब हमारे लिए बहुत अच्छा पैटर्न बन गया है, ऊपर निकलेगा तो बाय, नीचे निकलेगा तो सेल। तो दोस्तों HDFC बैंक को हम लोग बाय करेंगे, HDFC बैंक जब 2005 के ऊपर निकलेगा तो मैं इसे बाय करूंगा, इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे 1995 रुपए का, और पहला टारगेट होगा दोस्तों हमारा 2015 का, दूसरा टारगेट होगा 2025 का, और तीसरा टारगेट होगा 2035 का। बिना स्टॉप लॉस के दोस्तों बिल्कुल ट्रेड ना करें, तो बाय करना है 2005 के ऊपर, स्टॉप लॉस 1995 का रहेगा, पहला टारगेट 2015, दूसरा टारगेट 2025, और तीसरा टारगेट 2035। और जब HDFC बैंक 1990 के ऊपर निकलेगा, जब HDFC बैंक 1990 के नीचे निकलेगा तो सेल करेंगे, इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे 2000 का, पहला टारगेट होगा दोस्तों 1980 रुपए का, दूसरा टारगेट होगा 1970 रुपए का, और तीसरा टारगेट होगा 1960 रुपए का। ठीक है दोस्तों, बिना स्टॉप लॉस के बिल्कुल भी ट्रेड ना करें, और जब भी टारगेट की तरफ स्टॉक मूव कर जाए 1% से 0.5%, तो बिल्कुल 50-70% क्वांटिटी बुक कर लीजिए, अब बाकी का स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। तो HDFC बैंक को सेल करना है 1990 के नीचे, स्टॉप लॉस 2000 का, टारगेट पहला रहेगा 1980 का, दूसरा टारगेट 1970 का, तीसरा टारगेट 1960 का। अब बाय करना है 2005 के ऊपर, स्टॉप लॉस 1995 का, पहला टारगेट 2015 का, दूसरा टारगेट 2025 का, और तीसरा टारगेट 2035 का। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे स्टॉक अगर पसंद आते हैं, मेरा एनालिसिस आप लोगों को पसंद आता है तो मुझे जरूर कमेंट में बताएं, और मिलते हैं दोस्तों। ये 3 स्टार में 3 स्टॉक थे जिसे हम लोग कल इंट्राडे में बाय या सेल करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।